सदी में जहां टेक्नोलॉजी ने आम लोगों के जीवन को इजी बना दिया है, तो वहीं इसी टेक्नोलॉजी का कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ हो रहा है, जिसका उदाहरण डीप फेक वीडियोस हैं। बीते दिनों आप सभी साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो के बारे में तो सुना और पढ़ा होगा। किस तरह से किसी और महिला के चेहरे पर रश्मिका मंदाना का चेहरा रिप्लेस कर दिया गया था। वहीं डीप फेक वीडियोस को लेकर PM मोदी ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि AI की ताकत से डीप फेक वीडियोस बनते हैं, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। विविधता वाली सोसाइटी में जहां छोटी छोटी बातों पर लोगों की भावनाओं को ठेस लग जाती है, वहां यह संकट पैदा कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। जिसके बाद अब भारत सरकार डीप फेक वीडियोस को रोकने के लिए रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हमने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नेस्कॉम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र के अन्य प्रोफेसरों सहित विभिन्न हितधारकों को बैठक के लिए बुलाया था। सभी के साथ चर्चा हुई और सभी ने डीप फेक के खतरे और इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर कर आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार ऐसे डीप फेक वीडियो को बनाने और इससे होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म के लिए कानून और दंड का प्रावधान करने वाली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है और हमने ये फैसला किया है कि हम कुछ ही हफ्तों में डीप फेक को कानूनी दायरे में लाने के लिए मसौदा तैयार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर अगली बैठक दिसंबर में होगी। बता दें कि डीप फेक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की फोटो, ऑडियो और वीडियो को परिवर्तित किया जा सकता है। डीप फेक वीडियोस को देखने पर यह असली है या नकली पता लगाना मुश्किल हो जाता है।